हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो का टॉपिक है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और जो मोलिकुलरिटी का जो कन्सेप्ट है वो एक थ्योरिटिकल कन्सेप्ट है और जो मोलिकुलरिटी को एक्सप्लेन किया जाता है जब भी कभी हम किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी के बारे में बात करते हैं तो जो ये कन्सेप्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन कॉलिजन थ्योरी तो क्या है ये कोलिजन थ्योरी अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट ओनली देन तभी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे वैन दे लाइड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली तो कोई भी रिएक्शन है उसमें जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो उनका कोलिजन एक साथ होना बहुत जरूरी है तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो क्या है वो दिस कंसेप्ट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन्स को हम सिंपल रिएक्शन्स भी बोलते हैं सो द मोलिकुलरिटी कन्सेप्ट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन बट नॉट अप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्स और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन्स तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन्स के लिए हम इस मोलिकुलरिटी के कंसेप्ट को यूज़ नहीं करेंगे बट फॉर ऑल द एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन फाइंड द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी उनकी मोलिकुलरिटी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते बट वी कैन फाइंड द मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस तो एलिमेंट्री रिएक्शंस कौन सी होंगी एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस तो एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच कॉम्प्लीट्स इन सिंगल स्टेप तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही स्टेप में रिएक्टेंस कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में वो रहेंगी एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन्स और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन्स आर दोज रिएक्शंस विच डू नाट कम्प्लीट इन सिंगल स्टेप इट मीन्स वो सभी रिएक्शन जिनमें एक से ज़्यादा स्टेप होंगे रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए तो वही रिएक्शंस होंगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम मोलिकुलरिटी को अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन जो एलिमेंट्री रिएक्शन हैं उनके लिए मोलिकुलरिटी का कंसेप्ट क्या है अप्लीकेबल है तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम मोलिकुलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो ईच स्टेप होंगे ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होंगी उनमें जो हर स्टेप होगा उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो क्या है एक एन एलिमेंट्री रिएक्शन सो वी कैन कैलकुलेट वी कैन कैलकुलेट मोलिकुलरिटी ऑफ ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो जो हर स्टेप होगा उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का उसकी मोलिकुलरिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो इन्हीं पॉइंट्स को हमें याद रखना होगा ध्यान में रखना होगा जब भी हम मोलिकुलरिटी के बारे में बात करेंगे एक लास्ट में एक पॉइंट और है कि जितनी भी रिएक्शंस की हम स्टडी करेंगे उन रिएक्शंस की जो मैक्सिमम मोलिकुलरिटी की वैल्यू होगी जो मैक्सिमम मोलिकुलरिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी थ्री तो ऐसी सभी रिएक्शन जिनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी मोलिकुलरिटी की वो अगर थ्री है तो वो कोई सिंपल रिएक्शन है अगर किसी रिएक्शन की मैक्सिमम मोलिकुलरिटी की वैल्यू ग्रेटर देन थ्री हो जाती है ग्रेटर देन थ्री तो वो क्या रहेगी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहेगी तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन Is the sum of stoichiometric coefficients of all reactants in an elementary reaction which collides? साइमल्टनियसली तो मोलिकुलरिटी किसी भी रिएक्शन की क्या होगी हम उस एलिमेंट्री रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी स्टोशियोमेट्रिक कोफ़िशेंट्स को जब हम ऐड कर देंगे तो उससे हमें उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी मिल जाएगी तो जब भी हम किसी रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी फाइंड आउट करेंगे और वो रिएक्शन क्या होनी चाहिए एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए तो उस एलिमेंट्री रिएक्शन के जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उन रिएक्टेंट्स के स्टोशोमेट्रिक कॉफिशियट को जब हम ऐड करेंगे तो वो उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी या हम बता सकते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स किसके होंगे ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच कोलाइड्स साइमल्टेनियसली तो मोलिकुलरिटी को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन होगी उसके जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो कोलाइड करेंगे एक साथ वही उस एलिमेंट्री रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी तो अब हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हम मालिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट और जब भी डिकम्पोजिशन होगा अमोनियम नाइट्राइट का हमें मिलेगा नाइट्रोजन और वाटर तो यहाँ इस रिएक्शन में इस रिएक्टेंट का स्टोशोमेट्रिक कॉफिशेंट वन है तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी वन और वो रिएक्शन जिसकी मोलिकुलरिटी वन होगी उसको हम बोल सकते हैं यूनी रिएक्शन तो ये रिएक्शन क्या है ये यूनी मोलिकुलर रिएक्शन है मीन्स द मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज़ इक्वल टू वन और सेकेंड रिएक्शन होगी डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड और जब हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन होगा तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे हाइड्रोजन एंड तो यहाँ टू मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन और वो दो मॉलिक्यूल किसके हैं हाइड्रोजन आयोडाइड की तो इस रिएक्शन में जो स्टोइोमेट्रिक कॉफिशियट है इस रिएक्टेंट का वो टू है तो इस रिएक्शन की जो मोलिकुलरिटी होगी वो क्या रहेगी टू और वो रिएक्शन जिसकी मॉलिकुलरिटी टू होती है उसको हम बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन बिकॉज टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड साइमल्टेनियसली एंड फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स और जो थर्ड एग्जांपल है उसमें फेरिक क्लोराइड रिएक्शन कर रहा है एसेंशियल टू के साथ और प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां पर फेरस क्लोराइड और स्टेनिक क्लोराइड तो यहां दो मॉलिक्यूल लेंगे हम फेरिक क्लोराइड के और हम इस रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो यहाँ इस रिएक्शन में जो स्टोइशियोमेट्रिक ऑफिशेंट्स को ऐड करेंगे हम इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की तो उसी से हमें क्या मिलेगी उसकी मॉलिकुलरिटी मिलेगी और वो क्या है टू प्लस वन इज़ इक्ल टू थ्री तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है मोलिकुलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू थ्री एंड दैट रिएक्शन हुज़ मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू थ्री इज कॉल्ड टर्मोलिक्युलर रिएक्शन तो जो ये एग्जाम्पल थे ये सभी एलिमेंट्री रिएक्शंस के थे और इन रिएक्शंस की जो मोलिकुलरिटी हमने फाइंड आउट की है उन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स की स्टोशोमेट्रिक कोफ़िशेंट थे उन्हीं से हमने उन रिएक्शंस की मोलिकुलरिटी को फाइंड आउट किया है तो अब हम कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या वहाँ पर भी उन रिएक्शंस की मोलिकुलरिटी थ्री से लेस रहेगी या थ्री से ज़्यादा रहेगी उसी बेस पर हम बताएंगे कि वो रिएक्शन सिंपल है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसके लिए हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे नाइट्रोजन और रिएक्शन विद हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया तो जब हम इस रिएक्शन में जो स्टोइोमेट्रिक कॉफिशियंट होंगे रिएक्टेंट्स के हम उनको जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है फोर बिकॉज इन दिस रिएक्शन वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन तो जब हम इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के स्टोइोमेट्रिक कॉफिशियट को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है फोर सो so, फोर इज़ ग्रेटर देन थ्री सो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो ये रिएक्शन क्या है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ये सिंपल रिएक्शन नहीं है इट मीन्स दिस रिएक्शन कम्प्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप तो जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें फोर एच बी आर मोलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से और जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें वाटर और ब्रोमीन तो इसको भी हमने यहाँ बैलेंस फॉर्म में लिख दिया है तो जब हम इस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी अगर स्टोशियोमेट्रिक कोफ़िशेंट्स को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है फाइव एंड फाइव इज़ ग्रेटर देन थ्री सो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिकॉज बिकॉज वी नो दैट द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन ग्रेटर दैन थ्री इज नॉट पॉसिबल तो यहाँ पर इस रिएक्शन की अगर हम स्टोशोमेटिक कोफिशियंट को ऐड कर रहे हैं तो उससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो ग्रेटर दैन थ्री मिल रही है इट मीन्स दिस रिएक्शन इज़ नॉट ए सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सो दिस रिएक्शन आल्सो कम्प्लीट्स इन मोर दैन वन स्टेप्स और जो थर्ड एग्जाम्पल है एम एन ओ फोर नेगेटिव आयन ऑन रिएक्शन विद ऑक्सलेट आयन सी टू ओ फोर टू माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस और जो एच प्लस हैं वो कितने हैं सिक्सटीन हैं फाइव ऑक्सलेट आयन है और टू पर मैगनेट आयन है तो जब ये रिएक्शन होगी तो हमें प्रोडक्ट मिलता है एम एन टू प्लस टेन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स और एट वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब हम इस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स होंगे अगर उनकी स्टोशोमेट्रिक कॉफिशियट को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 16 टू 18 और 5 23 एंड इट इज़ ग्रेटर देन 3 सो दिस रिएक्शन इज़ नॉट ए सिंपल रिएक्शन इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन

लेकिन इससे पहले हमने देखा था कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उनकी मॉलिकुलरिटी को हम कैलकुलेट कर रहे थे बाय एडिंग द स्टोशियोमेट्रिक ऑफिशंट ऑफ देयर रिएक्टेंट्स इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो जो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होंगी जो उनकी ओवरऑल रिएक्शन होती है उसके लिए हम मोलिकुलरिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन जब हम उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करेंगे देन वी कैन कैलकुलेट द मोलिकुलरिटी ऑफ ईच स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिकॉज इन ईच स्टेप द रिएक्टेंट मॉलिकुल्स आर कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स सो ईच स्टेप इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन और उस एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम मोलिकुलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं तो, तो यहाँ हम एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लेंगे और उसके डिफ़रेंट स्टेप्स को लिखेंगे और हम देखेंगे कि हम हर स्टेप के लिए मॉलिकुलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं तो जो एग्ज़ाम्पल है अपना वो क्या है वैन एच बी आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन वी गेट एच टू ओ एंड बी आर टू तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है एंड दिस रिएक्शन कम्प्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इस रिएक्शन का स्टेप वन में एच बी आर मोलिक्यूल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ और प्रोडक्ट बनाएगा एच ओ ओ बी आर और ये एक एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन है बिकॉज इन दिस रिएक्शन बाई द कोलिजन बिटवीन एच बी आर एंड ओ टू वी गेट ए प्रोडक्ट एच ओ ओ बी आर तो जब हम इस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी स्टोशोमेट्रिक कॉफिशेंट को ऐड करेंगे तो वहाँ से हमें इस एलिमेंट्री रिएक्शन की मोलिकुलरिटी मिल जाएगी तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी होगी टू अब सेकेंड स्टेप होगा इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का उसमें यही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा दूसरे किसी एच बी आर के साथ और वहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलेगा एच ओ बी आर तो ये भी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है बिकॉज़ बाई द कोलिजन बिटवीन दीज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वी गेट ए प्रोडक्ट एच ओ बी आर तो इसकी भी हम मॉलिकुलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इन रिएक्टेंट्स की स्टोशोमेट्रिक कोफ़िशेंट से और जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमें उस हमें इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी मिल जाएगी तो इस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी क्या है टू है दो थर्ड स्टेप होगा दो थर्ड स्टेप है उसमें यही प्रोडक्ट रिएक्ट करेगा किसी दूसरे एच मॉलिक्यूल के साथ और हमें प्रोडक्ट मिलेंगे एच टू ओ प्लस बी आर टू और ये भी क्या है एक एलिमेंट्री रिएक्शन है बिकॉज इन दिस रिएक्शन दिस रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट्स तो इसके लिए भी हम मोलिकुलरिटी फाइंड आउट करेंगे बाई एडिंग देयर स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशेंट और वो क्या है टू है तो जो ये स्टेप है इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का इसकी मोलिकुलरिटी क्या रहेगी टू रहेगी और जब हम इन स्टेप्स को ऐड करेंगे और जो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी अगर हम उस ओवरऑल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम उसकी मोलिकुलरिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते तो यहाँ किस तरह से हम लिखेंगे इसकी ओवरऑल रिएक्शन को यहाँ एच से एच कैंसिल हो जाएगा इस यहाँ से टू एच से ये टू एच ओ बी आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने इस रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई किया है और जब हम इनको ऐड करेंगे इन थ्री स्टेप्स के रिएक्टेंट्स को तो हमें क्या मिलता है वन टू और टू फोर एच बी आर और वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल गिव जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है टू एच टू ओ प्लस टू बी आर टू तो ये एक ओवरऑल रिएक्शन है और इस ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज वी कैन सी दैट देयर इज़ नो कोलिजन ऑफ फोर एच बी आर मॉलिक्यूल्स विद सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाई दीज टैप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो हम तो इन स्टेप से हमें पता चला है कि रिएक्शन होगी एच और ऑक्सीजन के बीच में उसमें केवल सिंगल एच मॉलिक्यूल कोलाइड करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से तो इस ओवरऑल रिएक्शन से हम ये नहीं कह सकते कि फोर एच मॉलिक्यूल इस सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे और ये प्रोडक्ट बनाएंगे सो वी कैन नॉट अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मॉलिकुलरिटी टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शन so we cannot find the molecularity of complex reaction but we can calculate the molecularity of each step of complex reaction because each step of complex reaction is an elementary reaction अब लास्ट में हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे अबाउट द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो मोलिकुलरिटी है मोलिकुलरिटी का जो कंसेप्ट है दैट इज अप्लीकेबल ओनली टू एलिमेंट्री रिएक्शंस बट इट इज नॉट अप्लीकेबल टू कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम मोलिकुलरिटी कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करेंगे सेकेंड पॉइंट है द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस आर ऑलवेज इन होल नंबर जैसे वन टू थ्री और यहाँ से भी हमें ध्यान रखना होगा एक पॉइंट को कि ऐसी रिएक्शंस कॉमन रिएक्शंस होंगी जिनकी मोलिकुलरिटी वन और टू होगी लेकिन ऐसी रिएक्शंस रेयर होंगी जिनकी मोलिकुलरिटी होगी इक्वल टू थ्री तो जब भी किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी अगर ग्रेटर देन थ्री आ जाती है तो वो रिएक्शन क्या रहेगी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी वो नेक्स्ट so, पॉइंट है कि द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस कैन नेवर बी इन फ्रैक्शंस कोई भी रिएक्शन है उसकी मोलिकुलरिटी हमें फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी जैसे वन बाई टू वन एज टू वन बाई टू या थ्री बाई टू इस तरह से हमें किसी भी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी नहीं मिलेगी नेक्स्ट पॉइंट है द कंसेप्ट ऑफ मॉलिकुलरिटी द कंसेप्ट ऑफ मॉलिकुलरिटी इज नॉट अप्लीकेबल टू ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो जो कंसेप्ट ऑफ मॉलिकुलरिटी है वो अप्लीकेबल नहीं होगा उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल रिएक्शन के लिए और लास्ट पॉइंट है कि जब भी हम किसी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना है सम ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक ऑफिशेंट्स ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस तो कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन है अगर हम उनके रिएक्टेंट्स की स्टोईशोमेट्रिक कॉफिशेंट को हम ऐड करेंगे तो हमें उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी मिल जाएगी तो स्टोशियोमेट्रिक कॉफिशियट किसका ऐड करना हमने रिएक्टेंट्स का तो जब भी किसी एलिमेंट्री रिएक्शन के स्टोइोमेट्रिक कॉफिशियन को हम ऐड करेंगे उससे हमें उस रिएक्शन की मोलिकुलरिटी मिल जाएगी